इतना जायका है, कितने पकौड़े खा गई मैं और हाथ ही नहीं रुक रहा। रोशना इतने क्यों बनाए जा रही हो, कौन खाएगा? शायद कोई मेहमान आ जाए। अच्छा, इतनी बारिश में कौन मेहमान आएगा भला? क्या हो रहा था ये? बारिश एंजॉय कर रहे थे। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मजे की बारिश। अपनी उम्र देखी और अपनी हरकतें देखी। क्या हो गया मामा? क्या कर रहे थे तुम? रिंग पहना रहे थे इसे? वो तो यूं ही। मैं एक बार नहीं, हजार बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन पानी सर से गुजर चुका है। मेरी गलती है, मेरी गलती थी जो मैं तुम दोनों की हरकतों पे पर्दा डालती रही। चलो। I'm really sorry. एक मिनट, किस बात की सॉरी मामा? मामा खामा खामे ओवर रिएक्ट कर रही है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वक्त आने पर, सही वक्त आने पर एक दूसरे से शादी कर देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मामा प्लीज मेरी बात। टाइम। मामा मेरी बात तो क्या हुआ फायका? इससे फिर कोई बदतमीजी कर दी क्या? हाँ, मैं वो देख रही हूँ जो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आ रहा है। ये कल की लड़की, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी करने के ख्वाब देख रही है। बताओ उन्हें वहां क्या हो रहा था। बोलो, चुप क्यों हो? बस कर दो फायका, बेटे की मां होने का इतना गुरूर, तुम कुछ भी कहती रहोगी और हम सुनते रहेंगे। अगर तुम्हारे बेटे की नियत में फतूर है ना, तो उसका इल्जाम मेरी बेटी पे रखने की जरूरत नहीं है। ज़ूबी, तुम जाओ कमरे में, जाओ अंदर। हद होती है, पूरे का पूरा खानदान एक ही सिफ में खड़ा है। समीना अपनी आंखें खोलो, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी कुछ और करे, क्योंकि इस जैसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। संभाल कर रखो अपने बेटे को फायका, उस जैसे को तो मैं ज़ूबी के सर से वार के फेंक दूं। समीना, तुम्हारा गरूर ना एक दिन तुम्हें मुंह के बल गिराएगा। अपनी बेटी से बोलो मेरे बेटे से दूर रहे, पता नहीं और कितने लड़कों का सर फाड़ेगा इसकी खातिर। तुम यहां से चली जाओ फायका, तो बेहतर है।